तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज जो है मैं एक कैमरे से शूटिंग कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा पिक्चर क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं आया। एक्चुअली वही मेरा फ्रेंड आया हुआ है तो उसने जो है कैमरा ला के दिया है। वो देखो भैया, रकून रखा है गाड़ी में। आज लग रहा है रकून पकड़ा गया है यहाँ पे। वो देखो आवाज़ आ रही है, शायद आवाज़ ना आ रही है यहाँ से, हिल रहा है उसके अंदर। अभी जो आपको मैंने वीडियो दिखाई वो रकून की, वो इसी कैमरे से शूट करी है। 2 SD कार्ड है मेरे पास भाई। मस्त है यार तुम्हारा कैमरा तो। ले लेना जब पैसे आएंगे यूट्यूब से। ये आज बना है पोहा कांदा। व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है नए कैमरे से। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं अंडर आर्मर के शोरूम। आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है और इसके बाद जो है सीधे जाएंगे डाउन टाउन। पता नहीं कहाँ जाना है, डंडर स्ट्रीट जाना है, विक्टोरिया पार्क जाना है, अभी नहीं पता। तो आ गए फ्रेंड्स अंडर आर्मर के शोरूम, आपको अंदर दिखाते हैं। अगर दिखाने को मिलता है तो अंदर दिखाते हैं आपको कितने क्या प्राइस में क्या मिल रहा है आज। और इसके बाद फटाफट निकलते हैं, डाउन टाउन जाना है, फिर फटाफट देर हो रही है। ये देखो ये एडिशनल क्लियरेंस है 60% में। तो अभी जैसे ये जूता है मान लो ये $94 का है, तो अभी इस पर देखो शूज कितने बढ़िया हैं, पहले एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, और इस पर 60% ऑफ और है, तो मतलब कितने पड़ेगा, लगभग $40-40 के आसपास का पड़ेगा ये, है ना। हाँ, तो ये मतलब ये सेल्स आती रहती हैं यहाँ पे यूजुअली। आउटलेट्स तो हमेशा रहती हैं। हाँ, आउटलेट्स में हमेशा रहती हैं सेल्स। अच्छा। हाँ, हमेशा एनी टाइम ऑफ द ईयर आप आओगे तो जितनी भी यहाँ लगी हैं सारी रहेंगी। हाँ, वेयर हाउस आउटलेट स्टोर्स सेम थिंग। शूज वगैरह ये शायद लेडीज लोग की चप्पलें वगैरह हैं आपकी, $45 की है और 40% और ऑफ है इस पर। बताओ कितना सही है, मतलब इंडिया से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये देखो रंग बिरंगी चप्पल है, LGBT वाले, चड्डी वड्डी भी मिल रही कच्चे $12 की। बताओ बढ़िया है। और बढ़िया ये ब्रांड का पट्टा भी लेडीज की है। ठीक है, ये पूरा लेडीज सेक्शन है भाई। चलो उधर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ले लिया है मैंने अंदर से सामान। ये देखो झोला मिला फ्री का और बाकी सब पैसे वाला है सामान। ये है अपनी कैप और ये अपनी चप्पल है, घर पे आपको दिखाएंगे अच्छे से। अभी चलते हैं दूसरी जगह पे, और भी एक दो जगह देख लेते हैं। आजकल थोड़ा ऑफर चल रहे हैं यहाँ पे स्टोर्स में, तो चलिए देखते हैं। ये क्लिप उन लोगों के लिए है जो मुझे जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं आप जॉब ढूंढते नहीं, ये वो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट हायरिंग एट दिस टाइम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, और अभी क्या है कि वहाँ कैनेडियन टायर गए थे, वहाँ लॉटरी खरीदी, तीन खरीदी, तीनों पैसा डुबा दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी लगेगी होपफुली। बस कम वाली ना लगे भाई, $3 वाली ठीक है। तो यहाँ पे लॉटरी बहुत लोग बहुत खेलते हैं। अभी जो है ज्यादा लेट ना हो इसलिए अब फटाफट निकलते हैं। अभी 13 नंबर बस पकड़ लिए, सीधे डाउनटाउन में आपसे मिलते हैं। इसके बाद स्टार्ट करना होता ना, स्टार्ट थी भाई। अच्छा। हाँ भाई आ गए डाउनटाउन, गाने आने बज रहे हैं, मैं तो डांस कर रहा हूँ। यही है दोस्तों कोलंबियन फेस्ट। रेड लाइट पे क्यों क्रॉस किया हम लोगों ने। तो दोस्तों उधर से तो एंट्री बनती है, अभी मैं कोविड मार्केट के अंदर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। बस भाई यहाँ पे आने का एक फायदा है, यहाँ पे सब्जियाँ इतनी अच्छी अच्छी मिलती है ना, ये बिल्कुल फ्रेश फार्मर्स मार्केट है। यहाँ पे जो सब्जियाँ आपको मिलेंगी बिल्कुल तुरंत ही यहीं की उगाई हुई मिल जाती है, तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी। अगर यहाँ पे आना तो सब्जी जरूर लेके जाना, मेरे पास तो बहुत सारी रखी है, अभी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, बट आप जरूर लेके जाना, मैं भी किसी दिन लेके जाऊंगा। लो सिएंटो मी अमिगो, पता नहीं इसका मतलब क्या। चलो स्टार्ट है। वाह मैन, वाइब देखो यहाँ की खाली कितनी अच्छी है। We'll be right back.
चाचा आगे जा थोड़ा चाचा। तो भैया देखो खूब मौज हो रही है और अपन आए कोविड फेस्ट में और जो है यहाँ पे वैसे थोड़ा गर्मी कम है, मतलब ठंडा बारिश हो रही है और बारिश भी हो ही रही है। तो ये है देखिए यहाँ का सीन और अभी हम चलते हैं एक और फेस्ट है एक्चुअली, ये साउथ एशियन फेस्टिवल है डंडा स्ट्रीट पे। तो हम फटाफट उधर जाते हैं, आपको दिखाते हैं भीगने से पहले जल्दी से भागते हैं। आ गया हूँ मैं अभी साउथ एशियन फेस्टिवल में और माहौल तो यहाँ पे भी हल्का ठंडा ही लग रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है टाइम के साथ साथ लोग आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा सिस्टम। अभी देखते हैं यहाँ पे डंपलिंग्स वगैरह मिल रहे हैं, देख के आते हैं कुछ वेज होता है हमारे खाने लायक, खाते हैं आपको दिखाते हैं। भैया मोमो ले लिए हैं, ये देखिए ये है मोमो, सब्जी डाल दी है बढ़िया आलू मटर टमाटर के इसके ऊपर और ये यहाँ से लिए सामने से। अब आपको खा के जेन्युइन रिएक्शन दिखाता हूँ, मेरे दोस्तों का तो ज्यादा अच्छा है नहीं बट ठीक है, ठीक है मोमो ठीक है। अगर 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 सब्जी ना डाली हो तो मोमो ठीक है ना, मोमो ठीक है। आई मीन जो उसकी वो क्रस्ट क्या जो भी है आउटर लेयर वो भी ठीक है। ठीक है यार, दिल्ली वाले तो नहीं मिलेंगे यहाँ पे, पनीर अनीर है पता नहीं क्या टोफू बोल रहे हैं, वीगन मोमोज हैं। चलिए ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा ठंडा ही माहौल है, थोड़ा जैसे गर्म होता है आपको फिर वीडियो दिखाते हैं। कैमरा मैन है, एक्टर है, डायरेक्टर की जरूरत है। बताओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम था? रामेन खाने जा रहे हैं, राम जी ने बनाई थी जापान जाके सीता जी मटन ने रामेन कहाँ है वैसे? ये सामने। अच्छा चलो फिर जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। ये तो भाई कुछ अलग सिस्टम है, हमको नहीं मालूम, ये हमारा पनीर टोफू टाइप का कुछ है आइटम, आपको खा के बताते हैं। जैपनीज सोया सॉस में डूबा हुआ पनीर लथपथ। तो भैया जापानीज रेस्टोरेंट में खा लिया, आधा छोड़ भी दिया और क्या नाम है, सोया सॉस बड़ा अजीब टाइप का था यार इनका, सोया सॉस था हमने खाया, ये शेंजू केंजू पता नहीं क्या नाम था इनका। तो ये तो खैर खा लिया और मेरे दोस्त को बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है वो अच्छा है, हमारा ऑथेंटिक अलग है तो इसलिए शायद मुझे पसंद नहीं आया, बट ठीक है चलो एक्सपीरियंस है, ट्राई करिए। और ग्रीन टी पी थी तो बिल्कुल पानी जैसी थी।